इम्प्योरिटीज़ को नीचे कंटेनर में नीचे पर मतलब बैठा देने की और ऊपर साफ पानी निकालने की, ये प्रोसेस कहलाती है सेंडिमेंटेशन। और जो इम्प्योरिटीज़ जो नीचे सेटल हो जाती है वो कहलाती है सेंडिमेंट। और पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? सेंडिमेंटेशन, यानी कि जो हैवी पार्टिकल होता है वो नीचे जम जाता है और पानी जो होता है वो साफ हो जाता है। और ये प्रोसेस गंदगी को, इम्प्योरिटी को नीचे जमाने की जो ये प्रोसेस होती है और पानी को साफ करने की जो ये प्रोसेस होती है, ये कहलाती है सेंडिमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका डिसेंटेशन। डिसेंटेशन क्या है? नाउ इफ यू स्लोली प्योर द क्लियर वाटर एट द टॉप इन टू अनदर वेसल, द सेंडिमेंट गेट लेफ्ट बिहाइंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन। क्या बोल रहा है? डिसेंटेशन जो होती है वो इसके आगे की ही प्रोसेस है कि जो अब बचा हुआ जो साफ पानी, यानी कि सारी इम्प्योरिटी जो सारी रेत मिट्टी जो इम्प्योरिटी है वो तो नीचे बैठ गई है ना, अब जो ऊपर ऊपर का साफ पानी है आप उसको बिल्कुल ध्यान से दूसरे एक साफ कंटेनर में निकाल लें और पूरा जो सेंडिमेंट है, पूरी जो मतलब इम्प्योरिटी है वो वहीं छूट जाती है और साफ पानी हमें मिल जाता है। तो ये जो पानी को निकालने की प्रोसेस है ना सेंडिमेंटेशन के बाद, ये कहलाती है डिसेंटेशन। अब आते हैं हम फिल्टरेशन पे। यू मस्ट हैव सीन टी बींग फिल्टर्ड थ्रू अ सीव टू रिमूव टी लीव्स। आप लोगों ने अच्छा चाय छन्नी तो आपने देखे ही होंगे, जब चाय बनाते तो हम चाय छानते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जितनी चाय पत्ती रहती है वो मतलब उसी में रुक जाती है छन्नी में और हमें चाय जो है वो मिलती है। बट द सीव्स कैन नॉट बी यूज टू फिल्टर मड वाटर। वाई? लेकिन वो जो सीव है, वो जो छन्नी है, उससे हम पानी को साफ नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं कर सकते? दिस इज बिकॉज द इम्प्योर पार्टिकल इन वाटर आर वेरी स्मॉल साइज एंड दस पास थ्रू द सीव्स। क्योंकि जो पानी में जो इम्प्योर वाटर में जो यानी वाटर में जो इम्प्योरिटी होती है, जो मिट्टी होती है, वो इतनी भी छोटी होती है कि वो उस छन्नी से भी नहीं रुकेगी, वो फिर भी आ ही जाती है ना। फॉर दिस वी नीड अ मटेरियल विथ वेरी स्मॉल पोर्स। इसके लिए हमें चाहिए एकदम ऐसा मटेरियल जिसके स्मॉल पोर्स हो, इतने भी स्मॉल कि हमें समझ में भी ना आए। वन ऑफ सच मटेरियल इज फिल्टर पेपर। और इस तरीके का एक सब्सटेंस होता है वो कहलाता है फिल्टर पेपर। इट वर्क्स लाइक अ सीव विथ वेरी फाइन होल्स। और ये एक सीव यानी एक छन्नी की तरह काम करता है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे होल होते हैं। अ फिल्टर पेपर इज फोल्डेड एंड पुट इन द फनल ऑन द टॉप ऑफ द वेसल। उसको क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को यहाँ पे ऐसे जैसे ये फनल है ना, इसके यहाँ पे फंसा देते हैं फिल्टर पेपर को, ठीक है, और फिर उसमें से पानी को डालते हैं। वाटर इज देन पोर्ड ओवर इट, द इम्प्योरिटी रिमेन इन द फिल्टर पेपर एंड प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन द वेसल कैप्ड बिलो द फनल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। और फिर क्या होता है कि उसमें से पानी को डालते हैं और फनल के थ्रू जो साफ पानी होता है वो नीचे आ जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटी यानी वो बिल्कुल छोटे 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 जो पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योरिटी के, वो फनल जो जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर ही रुक जाते हैं और साफ पानी हमें मिल जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये कहलाती है फिल्टरेशन। सबसे पहले क्या करे? सेंडिमेंटेशन। इससे क्या करे, मतलब थोड़ी देर जो रेत मिट्टी वाला पानी था उसे छोड़ दिए, तो वो रेत मिट्टी वाला जो पानी हुआ वो क्या हुआ, सेंडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू वो जो हैवी मटेरियल जो था मिट्टी वगैरह वो तो नीचे बैठ गई और हमें थोड़ा सा साफ पानी मिल गया। अब उस थोड़े साफ पानी को हमने ध्यान से निकाले तो वो प्रोसेस है डिसेंटेशन। बट जो हमने पानी निकाले उससे हैवी मिट्टी जो थी यानी हैवी मटेरियल जो थे वो नीचे बैठे, पर जो बहुत ही ज्यादा छोटे मटेरियल थे इम्प्योरिटी के वो तो अभी भी पानी में थे। तो उस प्रोसेस उस पानी को और भी ज्यादा साफ करने के लिए हमने करे फिल्टरेशन, जो कि फिल्टर पेपर की मदद से हुआ। और फिर जाके वो पूरा जो इम्प्योर पानी होता है वो होता है प्योर। यहाँ प्रोसेस फिल्टरेशन की प्रोसेस तक, सबसे पहले सेंडिमेंटेशन, फिर डिसेंटेशन और फिर फिल्टरेशन, और तब जाके हमें मिलता है साफ पानी पीने को। तो सोचो लोग कितनी हेल्प करते हैं, कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं पानी को साफ बनाने के लिए। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम पानी को गंदा ही ना करें, है ना। तो ये प्रोसेस आई होप आपको समझ में आई हो कि वाटर को साफ कैसे करते हैं। इसके आगे है आपका रिमूविंग इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, सॉरी रिमूविंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हटाने का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, ना आया हो तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, एंड यू ऑल हैव टू डू योर वर्क।